आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि बोर्ड में कभी कोई फॉल्ट आता है और वो बोर्ड को हम लोग खोल लेते हैं कि भाई कोई स्विच वर्क नहीं कर रहा है या क्या प्रॉब्लम है, तो बोर्ड को खोल लेते हैं। खोलने के बाद जो प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है उसके बारे में हम लोग देखने जाते हैं। तो बोर्ड को हम लोग खोल चुके हैं। तो बोर्ड को खोलने के बाद इतने सारे वायर का गुच्छा देखने के बाद हो जाते हैं कंफ्यूज कि क्या कहाँ पे कौन सा वायर है क्या है। तो उसके बाद बावजूद अगर हम लोग इसको डिसकनेक्ट कर दें और उसके बाद वो कौन सा वायर क्या है कैसे फाइंड आउट करें उसके बारे में ये वीडियो है, देखते आगे। देखिए ये बोर्ड खोल दिया हमने, अब जो है वायर इतने सारे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा वायर क्या है। बाय रूल इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल IER के हिसाब से क्या होता है कि अगर कोई फेज है तो RYB कलर कोड के हिसाब से वायर होना चाहिए, और न्यूट्रल जो है वो ब्लैक कलर और अर्थ जो है वो ग्रीन। लेकिन इसमें जो है इलेक्ट्रिशियन जो है कभी कभी वायर के शॉर्टेज के वजह से या फिर नॉलेज नहीं होने के वजह से कोई भी वायर किसी भी काम के लिए यूज़ होता है, तो बाद में जब हम कभी स्विच बोर्ड खोलते हैं तो इस प्रकार के परेशानी का सामना करना पड़ता है कि कौन सा वायर क्या है। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है कि फेज वायर कौन सा और न्यूट्रल वायर कौन सा, बाकी जो कनेक्टेड लोड का वायर कौन सा है। तो हम लोग देखेंगे इतने सारे वायर में सेफ्टी के साथ अपने को करना है। तो सबसे पहले टेस्टर जो है अपने को फेस फाइंड आउट हो जाएगा टेस्टर से, तो सभी टर्मिनल के साथ सभी वायर के साथ हम लोग कनेक्टेड करके देखेंगे, जिसमें ये जो नियॉन लाइट है वो अगर ग्लो होता है तो वो होगा हमारा फेस। तो देख सकते हैं फेस मिल गया है, ये जो है हमारा। तो सेफ्टी के साथ फेस को पकड़े, देख सकते हैं ये लाइट ग्लो हो रहा है ये टेस्टर का। तो ये जो है हमारा फेस, अब फेस तो मिल गया है, अभी न्यूट्रल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फेस मिल गया है, ये जो टर्मिनल है हमारा फेस है, अब न्यूट्रल कैसे फाइंड आउट करना है? तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक टेस्ट लैंप लेना है और ये जो फेस टर्मिनल है एक टर्मिनल उसके साथ कनेक्ट करना है, तो सावधानी के साथ अपने को करना पड़ेगा, और दूसरा जो टर्मिनल हर वायर के साथ कनेक्टेड करके देखना है ना। तो ये हमको पहले, तो देखिए सभी वायर को लगाया, तो एक वायर जो है जिसको लगाने के बाद लाइट जो है वो ग्लो हो रहा है, तो ये जो है हमारा न्यूट्रल पॉइंट है। फेज मिल गया, न्यूट्रल मिल गया है ना, ये फेज है और ये जो है हमारा न्यूट्रल है। तो स्विच बोर्ड का इनकमिंग फेज न्यूट्रल आ गया है, और बाकी जो जितने सारे वायर दिख रहा है वो एक एक डिफरेंट कनेक्टेड लोड के हिसाब से। तो ये कोई लोड कनेक्टेड है इसलिए थोड़ा डिम जल रहा है, इसमें फैन होगा, इसी में लाइट होगा। इस प्रकार से हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतने सारे स्विच बोर्ड के वायर में फेज कौन सा और न्यूट्रल कौन सा, बाकी जो वायर है वो लोड है। स्विच बोर्ड के डिफरेंट स्विच के साथ एक एक वायर कनेक्ट करना है और इनकमिंग और जो फेज और न्यूट्रल जो है वो कनेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से सिंपल आसानी से हम लोग फेज और न्यूट्रल फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई इसमें हार्ड नहीं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुँचाइए। धन्यवाद।